हाँ तो आज हम आए हैं जोधपुर में जो माँ की कहानी करती है। कैसा गाना निमी? स्वादिष्ट। जय श्री राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हमें जोधपुर कल आ गए थे हम जोधपुर और ट्रिप हमारी हो गई है कंप्लीट एंड काफ़ी अच्छी रही ट्रिप बोलूँ तो। और अभी आज का प्लान है, कमला दीदी वगैरह आए हुए हैं और जो माँ की ढाणी न्यू रेस्टोरेंट खुला आई थिंक जोधपुर में ही है, तो वहाँ से काफ़ी टाइम हुआ है मुझे इनविटेशन आया था कि आपको आना है यहाँ पे, बट मुझे टाइम नहीं था। अभी टाइम मिला है तो और कमला की फ्रेंड है और कमला दीदी वो आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज चलते हैं कि वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो अभी वो सैलून गए हुए हैं तो वो आते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे वहाँ पे। एंड कैसा लगता है वहाँ का खाना, कैसा नहीं, आपको भी बताते ताकि आप भी कभी जाओ उस साइड तो आप भी उसका मतलब वो टेस्ट कर सको खाना। अगर अच्छा हुआ तो अच्छा बोलेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे। तो वो आते हैं, उसके बाद में चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको माँ की ठाणी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ उधर। तो चल हेलो मैडम, वेलकम जोधपुर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम आपका माँ की डैडी को वेलकम। हेलो सर, सर जी, सर के भाव बढ़ गए हैं, भाव को भी डांसर बोलो, सर बोलो जा। पुकड़ पुकड़ हाँ, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस खाना मिल जाए। हाँ प्योर देसी वाइब्स। ये चूरमा, खीच, सिरोई की बस तो। और यहाँ का स्पेशल क्या है? ये सब स्पेशल है, गोबर रोटी है, अच्छा खींच है, तो ये जाड़ोरी टिक्का मेरे फेवरेट खींच है। आपको जब भी जोधपुर में देसी खाने का मन हो तो माँ की डाने यहाँ पे जो खाना है वो मिल जाएगा। कौन बोले ये बता दे एड्रेस? हाँ अभी बता दो, जोर से बोला। यहाँ का एड्रेस? हाँ मंडी मोड़ सर्किल से थोड़ा आगे ब्लैक होल के जस्ट पीछे यूनियन बैंक के पास सरस्वती नगर। तो ये रहा एड्रेस, आपको जब भी खाना खाना हो देसी यहाँ पे आ जाए। अभी टेस्ट करते हैं फिर बता देंगे कैसा है खाने का। और मैडम फुल फीलिंग देसी आ तो बोल रही तो घर में मन उन्नी कड़ा हुआ है। आपको खाना खा के यहाँ की पूरी लोकेशन बताते हैं, अभी आप लोग खाने का एंजॉय कर लीजिए। नहीं ये नहीं, हम लोग कैसा गाना निमी? स्वादिष्ट। और दी कैसा खाना?
इसको ऐसा गाना बहुत पसंद है देसी। हाँ मन पसंद है। ओम जी। कैसा लगा खाना? भूखड़ भूख से मन लगे अभी यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। धूप है भाई, धूप है। हाँ आज हम आए हैं जोधपुर में जो माँ की टाणी करती है। यहाँ पे मतलब फुल देसी खाना मिलता है जैसे दाल बाटी सूरमा एंड सांगरी का साग खींच जो भी बोलो सब देसी में जो भी खाना आता है वो इधर मिलता है। तो आप लोग जरूर आना कभी टेस्ट करने। और लोकेशन भी बहुत प्यारी है, आप सभी को मैं लोकेशन भी दिखाती हूँ एंड ये रही लोकेशन। और दीदू कैसा लगा यहाँ का खाना? यहाँ पे खींच कूटा जाता है और इधर मिर्ची। एक बार खाया मुझे टकावे। पानी निकाल। ये माँ की डानी पूरी लोकेशन ये बहुत धीरे बोल रही है। जैसे पहले हुआ करते थे अब तो बहुत कम है। तो माता रानी जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट इनके ओनर है ये मेरे नाम नहीं चप्पल हीरा भाई खाने में खासी क्या है स्पेशल सब्जी होती है कुछ खाना स्पेशल क्या है? हमारे यहाँ ऑर्गेनिक है देसी है पूरा बिना यूरिया बिना केमिकल का। प्लस हमारे यहाँ खीर कूट के बनाया जाता है। मिर्च पत्थर पे रगड़ के बनाई जाती है ये देखो और बाजरी का चूरमा बाड़मेर की और मोबा रोटी है सिलोई की टिक्कड़ है इस टाइप के देसी पूरा ऐसे फुल देसी जैसे हम घर पे खाते हैं ना जैसे सेम टू सेम। आप भी जरूर आए इधर और यहाँ के खाने का स्वाद कैसा है वो भी टेस्ट करो। हमने खाया हमें मतलब इतना स्वादिष्ट लगा सीरियसली बहुत प्यारा। और इनका टाइमिंग देख लो आप। हाँ टाइमिंग सुबह 11 से 3 बजे तक और 3 बजे क्लोज बाद में 6:30 से 11 बजे तक। और यहाँ के जो सामने टाइम का व्यू भी अच्छा होता है। अभी यहाँ पे धूप है इसलिए नहीं है, बाकी शाम के टाइम पे चारपाई वगैरह लगाते इधर बाहर ही खाना खाते हैं एंड हाँ ये देख लो शाम के टाइम का क्योंकि अभी धूप है इस वजह से नहीं ला सकते। शाम के टाइम ऐसे कर सकते यहाँ पे लाके आप बाहर से बाहर बैठ के आराम से ठंडी हवा में खाना खा सकते हो। यहाँ आप भी ट्राई जरूर करना इधर आओ तब। ये देखो देसी मसाले ये मिलो ना मक्खन निकाल देना गाँव में होता है। और ये तो आपको बताइए इसमें रोटी रखते हैं इसमें रोटी रखते हैं रोटी किसमें रखते हैं लगते हैं हाँ रोटी रखते हैं ये है यहाँ का काउंटर। यहाँ पे खाना बनता है वो देखो सुला।
सारा खाना चूल्हे पे मिलता है, मतलब रोटियां यहाँ बनती हैं, क्रोई मत पड़ा है। बाकी इनसे पूछ लो तो पता नहीं चल रहा। चूल्हे पे बनता है खाना पूरा ही, मिट्टी के तवा है और चूल्हा है, लकड़ी पे बनता पूरा। अंदर लाइटिंग का मैं वो रहा चूल्हा अभी दिख रहा है ना। बाकी यहाँ का व्यू तो आप लोगों ने देख लिया है। ये सार भाई देखो, हर चीज देसी। ये कितने की? यहाँ पे हवा महल देख लेना। ये भी देखते हैं हम लोग। और पेंटिंग कितनी शानदार बनाई हुई है। और यहाँ पे वो है अंदर, यहाँ पे रूम है, आपको रूम का टूर करवाते हैं। ये रूम है ना। अच्छा, यहाँ पे रुक भी सकते हैं नाइट स्टे। हाँ, नाइट स्टे के लिए यहाँ पे है। सर लाइट है, सेक कर रहे हैं। ठीक है, ऑल सेट सर। ये बाथरूम, ये शेर है। यहाँ पे टीवी लगी हुई है, एसी है, और क्या चाहिए। और बेड भी शानदार है यहाँ पे, पास में फोन चार्ज करने के लिए। इधर काउंटर ये और है रूम, इधर बेड, एसी एंड टीवी। इंसान को यही चाहिए, और फोन चार्ज के लिए वो रहा, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ का हो गया है, आगे चलते हैं। इसमें बर्थडे पार्टी के लिए हॉल है, अभी तक बंद रहा है ना। बंद रहा है। ओके। लेकिन फैमिली के जो बर्थडे की, अच्छा, इसमें डांस और साउंड वगैरह सब लगा, पार्टी वगैरह के लिए आना होता, बट अभी तक बंद रहा है। तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, और आपको रूम भी टूर करवा दी। जैसे आपको कभी इधर रुकना हो तो आप आराम से इधर रुक सकते हो, आप आराम से रुक सकते हो। एसी रूम है, और आगे रूम और बन रहे हैं। और जो अगर कोई पार्टी करनी है, अभी तक तो नहीं है, बट हॉल बन रहा है पार्टी के लिए। एंड खाना जो देसी में जो आपको मनपसंद खाना चाहिए वो इधर मिल जाएगा। हेलो, ये कुक है यहाँ के। कैसा था सर खाना, आपको अच्छा लगा? आप भी माँ की ढाणी में एक बार जरूर पधारना। हम यहाँ पे बढ़िया देसी नाच से खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ पे बाजरा की रोटी, कोबा रोटी, और बढ़िया गेहूँ की रोटी, और बढ़िया अपने पिसी हुई, अपने बढ़िया देसी राबड़ी, बढ़िया मसाला खींचिया। आप जरूर माँ की ढाणी में पधारना, और चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, आगे वीडियो शेयर करना। बहुत अच्छा था खाना। इन मैडम को देखो, उतारा क्यों? आयो सही था। अच्छा लग गया। तो हम लोग माँ की ढाणी से आ चुके हैं, एंड अभी ओम साहब नारियल पानी पिला रहे हैं। एक्चुअली यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो ट्रेवल किया ना ज़्यादा, तो एसी मतलब ट्रेन एसी थी, एसी वाली थी, तो एसी वाली ट्रेन में से एकदम से निकले, और कुछ वो पास में थी सीट मेरी, मैंने एसी के, तो उस वजह से वो ज़्यादा एसी थे ना उस जगह, तो उससे प्रॉब्लम हो गई। ट्रेन में थी तब तक कुछ पता नहीं चला,
अभी रात रात से पता चल रहा है, हम कल मॉर्निंग में आए थे एंड रात से मेरा मतलब ऐसा गला दर्द कर रहा है। एंड अभी मैंने वहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, लास्ट में मैंने क्या कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक से मेरा गला और जाम हो गया और पूरा मतलब अजीब सा लग रहा है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ट्रेन में सोए सोए वो चक्कर आ रहे थे वैसे हो रहा है। तो अभी हम सब नारियल पानी लेने के लिए, क्या हुआ लेके आ रहे आ रहे से गाड़ी में बैठ के कैसा फील हो रहा आप लोगों को? फील बेटर है ना? पर आज मैंने खाना है ना ज्यादा खा लिया, ज्यादा इतनी नहीं, ऐसे ऐसे क्या हुआ, हम बटर कम खाते हैं तो वो बटर से हुआ, थोड़ा ज्यादा ही लगाया हुआ था, बाकी अच्छा था खाना, बहुत अच्छा खाना अच्छा था। वो कोई बटर खाते है कोई नहीं खाते, हम एक्चुअली क्या हम नहीं खाने वाले बाहर खाना खा खा के क्या वो घर वाले खाना भूल ही जाते हैं। आज काफी दिनों बाद घर वाले खाने का फील। उनको बोलो कि यही हमको पीना है नारियल, वो पैक कर देंगे। मैं पैक नहीं करूं। सर हाँ जी, हमारी ट्रिप तो कंप्लीट हो गई, अब आप आपका क्या प्लान है? अपन ट्रिप करेंगे। कब? देखते हैं शूटिंग करके फिर करते हैं। ओके, और नेक्स्ट ट्रिप अपने साथ में ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग कमेंट कर रहे थे ओमसा को नहीं लेके गए। और क्या लोग हो यार तुम लोग, ओमसा एक मिनट वेट, ओमसा गए जब ट्रिप पे तब तो किसी ने नहीं कमेंट किया कि निम्मी को लेके, एक दो थे वो मेरे दोस्त मेरे जो भी बोलो उन्होंने किए थे, पर इस टाइम पे देखो। हाँ मोना अब बोल, वृंदावन की कर लो। बिल्कुल करेंगे, सबसे सबसे आज तक तूने कुछ बेटर बोला है ना, तो वो आज पहली बार जिंदगी में कुछ तूने अच्छा बोला। भैया जी पानी वाला दे, बढ़िया पानी वाला देना, क्योंकि सब टूर में से मुझे वो वाला अच्छा लगा। मतलब वृंदावन में जाते हैं ना ऐसा फील होता है हम स्वर्ग में आ गए। एंड आप सभी को पता है मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगता है वृंदावन में। नहीं भक्त हूँ मैं, मेरे सामने हाथ नहीं छोड़ता। ये क्या है? ये दो दो आप लेके आए, दो दो नारियल पीते हो आप एक साथ में? छोटे हैं पर मीठे। यूं? नहीं नहीं आप पीओ आप। नहीं चाहिए मेरे को। ये है नारियल पी रहे पानी, मैंने पी लिया पानी नारियल का, थोड़ा गर्म है ना नॉर्मल है। ये तो हमेशा मिलते हैं, इसकी सीजन थोड़ी होती है क्या? होती है, गर्मी में ज्यादा नहीं होती पता नहीं। टेम्पो पूरा भरा हुआ है देखो नारियल से।